In the name of Allah, who is merciful and most beneficent, Assalamu alaikum. Today my topic is University Weights. The second period of Elizabethan drama was dominated by the University Weights, a set of literary men. अब देखेंगे the term of University Weights कि ये term किसने कब और क्यों discover की. Term of University Weights was coined by George Lansbury in late 19th century. Writers of University Weights belong to late Elizabethan and 16th century. जो late Elizabethan age है वो शुरू होता है late 16th century में, लेकिन ये term उन दोनों की इन University Weights की लाइफ के बाद पॉइंट आउट हुई थी. उनके होते हुए वो जस्ट राइटर्स थे, उनको उनके नेमों से रिकॉग्नाइज किया जाता था, किसी टर्म से नहीं, जैसे यूनिवर्सिटी वेट है. एंड टर्म इज कॉइंड आफ्टर देयर लाइफ. वो इंक्लूड सेवन मोस्ट फेमस राइटर्स यूनिवर्सिटी वेट्स. दिस राइटर्स फेमस फॉर देयर प्ले राइट्स. इन सब राइटर्स का अपने 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 स्टाइल में बहुत ज़्यादा अहम काम था जो इन्होंने हमारे इंग्लिश लिटरेचर को दिया था, और इस काम की वजह से ये लोग बहुत ज़्यादा फेमस थे. Names of university weights. All the writers pass out from Cambridge University and from Oxford University. Only one writer was not pass out from both of these. ये कि हमने स्टार्ट में हमने डिस्कस किया है कि हम जो यूनिवर्सिटी वेट्स में जितने राइटर्स को पढ़ेंगे उनमें से सेवन हैं फेमस. सेवन में से तीन ऐसे हैं जिनकी पासिंग आउट जो हुई थी वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से हुई थी, और तीन की हुई थी ऑक्सफोर्ड से. और इन लोगों ने स्पेशल जो डिग्रीज ली थी वो ड्रामा और एक्टिंग में ली थी. उसके जो बेस्ट डिग्रीज होती हैं उस दौर में जो लोग कोर्सेज करते थे शॉर्ट कोर्सेज ड्रामा और एक्टिंग में, वो इन लोगों ने कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से की थी. अब हम देखते हैं कि नेम्स ऑफ ग्रुप ऑफ यूनिवर्सिटी वेट्स आर गिवन एज बिलो. क्रिस्टोफर मार्लो, रॉबर्ट ग्रीनी, थॉमस नैच. दिस राइटर्स पास आउट फ्रॉम कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी. मीन्स टू से क्रिस्टोफर, रॉबर्ट एंड नैच तीन राइटर्स थे जिनकी पासिंग आउट हुई थी यहाँ से कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से. नेक्स्ट में हम बाकी तीन की देखते हैं एजुकेशन ऑफ यूनिवर्सिटी वेट्स. इनकी एजुकेशन में पहले डिस्कस कर चुकी हूँ कि इनकी ड्रामा एंड एक्टिंग में थी. थॉमस लॉज, जॉर्ज बिली एंड जॉन लिली, इन तीनों की एजुकेशन जो थी इनकी पासिंग आउट हुई थी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से. सबसे अहम हमारा एमसीक्यू स्टार्ट हो रहा है आपसे. ओनली थॉमस कीट नॉट पास आउट फ्रॉम बोथ ऑफ यूनिवर्सिटीज बट इंक्लूडेड इन ग्रुप ऑफ यूनिवर्सिटी वेट्स. ये वाहिद वो था यूनिवर्सिटी वेट्स का एक मेंबर था जो किसी भी यूनि से पास आउट नहीं हुआ था. इसके पास कोई प्रोफेशनल डिग्री नहीं थी, लेकिन इसको फिर भी यूनिवर्सिटी वेट्स में इंक्लूड किया जाता था क्योंकि इसने मार्लो के साथ मिलकर काम किया था. नीचे हमने एक शॉर्ट टर्म बनाई हुई है, डी प्लस सिक्स. डी का मतलब होता है कैड, थॉमस कैड जैसे है. सिर्फ ये एक है जिसकी एजुकेशन की कोई डिग्री नहीं है, जबकि जो सिक्स साथ लिखा हुआ है ये तीन छः नेम्स को शो करते हैं. जैसे रॉबर्ट ग्रीनी वगैरह, जॉन लिली, इन सबके नेमों को शो करते हैं कि ये छः लोग किसी न किसी यूनिवर्सिटी से पास आउट हुए थे. अब हम फर्दर बाय फर्दर सबका काम देखेंगे, लेकिन शॉर्ट वे में देखेंगे क्योंकि हमने एक लेक्चर में सिक्स से सेवन राइटर्स को कवर अप करना है और ये एक डिफ़िकल्ट टास्क है. लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्रिस्टोफर मार्लो. 1564 से 1593 में मार्लो की जो डेथ थी वो नेचुरल नहीं थी. इसका मर्डर हुआ था मार्लो का, नेचुरली डेथ नहीं थी. अब हम देखते हैं इसका काम. ऑफ ऑल मेंबर्स ऑफ द ग्रुप मार्लो इज़ द ग्रेटेस्ट, क्योंकि मार्लो इस सब में यूनिवर्सिटी वेट्स में एक सन की रोल प्ले करता है, इससे सन होता है. तो यूँ कहा जाता है कि मार्लो वाज अ सेंट्रल सन एंड राउंड हिम रिवॉल्ट एज माइनर स्टार्स लिली, ग्रीनी, पिली, लॉज एंड नैश. जो पाँच बाकी छः हैं वो सारे इसके लिए रिवॉल्व करते हैं, लेकिन सेंट्रल सन क्रिस्टोफर मार्लो है. ही वर्कड इन ब्लैंक वर्स. ब्लैंक वर्स को बहुत ज़्यादा इसने इनक्रेज किया था और बहुत ज़्यादा उसको प्रमोट किया था. फादर ऑफ ब्लैंक वर्स भी कहा जाता है मार्लो को. द ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ डॉक्टर फास्टस, अगर हम इसके काम में देखें तो हमारे पास सबसे पहले आती है द ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ डॉक्टर फास्टस. इसके बाद टम्बरलाइन आती है, सबसे पहले टम्बरलाइन आती है, फिर हमारे पास डॉक्टर फास्टस की ट्रेजिकल हिस्ट्री आती है. ये दो इसके फेमस वर्क हो गए. तीसरा हमारे पास है द जियो ऑफ माल्टा एंड फोर्थ इज एडवर्ड सेकेंड. ये इसके चार प्लेस थे, चारों हिस्ट्री ट्रेजिडीज थी, लेकिन इतनी ज़्यादा फेमस हुए थे ना बहुत ज़्यादा, इनकी वजह से क्रिस्टोफर मार्लो का नेम टॉप पे पहुँच गया था. सबसे ज़्यादा द ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ डॉक्टर फास्टस, जो कि ओवर एम्बिशियस इंसान के बारे में है. इसको हम एक और लेक्चर में कवर करेंगे. हम राइटिंग स्टाइल ऑफ क्रिस्टोफर मार्लो को देखते हैं. मार्लो कंट्रीब्यूट्स इन एलिजाबेथन ड्रामा इज ग्रेट. हमने पहले देखा कि मार्लो का कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा है. ही रेज सब्जेक्ट मैटर ऑफ ड्रामा, मीन्स उसके इसने सिर्फ सब्जेक्ट मैटर ऑफ ड्रामा कि इसने पुअर के बारे में भी लिखा है, रिच के बारे में भी लिखा है. इसने दोनों लाइफ स्टाइल्स को कवर किया है.
उस दौर के एलिजाबेथन एज के जो रिच थे और पुअर थे दोनों की लाइफ को इसने कंपेयर करके समरी निकालते हैं ना, उस तरह करके अपने प्लेस में इस चीज़ को बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट किया कि वहाँ के लोगों का लिविंग स्टाइल क्या था। नेक्स्ट हम देखेंगे लैंग्वेज ऑफ मार्लो वाज मोर क्लासिकली बेस्ड देन विलियम शेक्सपियर। मार्लो के जो करेक्टर्स होते थे ना, जैसे प्ले है डॉक्टर फॉस्टर, इसमें जो करेक्टर्स हैं उनकी लैंग्वेज और होगी, टंबल लाइन में लैंग्वेज और होगी, इसको लैंग्वेजेस पर बहुत ज़्यादा परफेक्शन थी इसकी, लेकिन ये चीज़ विलियम में नहीं थी, विलियम की इस चीज़ में लैकनेस थी। ही आल्सो गेव इम्पोर्टेंस टू ब्यूटी, इसने ब्यूटी को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बयान किया हुआ है अपने प्लेज में। द फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामेटिक पोएट्री भी कहते हैं हम क्रिस्टोफर मार्लो को। ये क्रिस्टोफर मार्लो का एज ए यूनिवर्सिटी विट का एक मेंबर होने के लिहाज से बहुत छोटा सा इंट्रो है, इसका हम एक और लेक्चर में कवर करेंगे इसको। नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट मेंबर ऑफ यूनिवर्सिटी विट्स इज जॉन लिली 1554-1606। लिली वाज द ऑथर ऑफ यूफ्यूज। यूफ्यूज सबसे फेमस वर्क है लिली का। नेम्स ऑफ सम इम्पोर्टेंट वर्क्स ऑफ लिली आर गिवन एज कंपास लिखा है इसने, सेफन फेल लिखा है, मिडेस लिखा है, हिज स्टाइल इज चेंज फ्रॉम मार्लो। मीन्स उसके थे एक ही ग्रुप में, सबने मिल के मिनिस्टर के स्टडी ग्रुप स्टडी होती है ना, ग्रुप स्टडी, तो उसमें हर स्टूडेंट पढ़ता अपना अपना लेकिन बैठ के साथ पढ़ते, इससे लिखा सबने अलग अलग था लेकिन एक जगह बैठ के लिखा होगा, इस तरह से हुआ होगा कुछ। लेकिन इसका जॉन लिली का स्टाइल मार्लो से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। ऑल हिज प्लेस वॉज रिटन इन प्रोज इंटरमेंगल्ड विद वर्सेस। इसने प्रोज में लिखा है अपना वर्क, वर्सेस में नहीं लिखा। वर्स जो होता है वो सिंपल होता है, जो कि प्रोज होता है वो एक्सेजरेटेड कर देता है, किसी भी चीज़ को बढ़ा चढ़ा देता है। तो इसने लिखा तो प्रोज में, लेकिन थोड़ा थोड़ा टच कहीं पे वर्स का भी दिया है, और नीचे हमने वर्स इज सिंपल एंड प्रोज इंक्लूडेड एक्सेजरेशंस, इन दोनों की डेफिनेशन भी कर दी है। ये था जॉन लिली। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जॉर्ज पिली। जॉर्ज पिली की डेट ऑफ बर्थ है 1558, लेकिन डेट ऑफ डेथ इसकी कन्फर्म नहीं है, क्योंकि उस टाइम इतना ज़्यादा मीडिया नहीं था, इसलिए किसी की भी डेट ऑफ डेथ और डेट ऑफ बर्थ में क्लेरिफाई नहीं है हमारे पास। इसकी 1597 बट आगे क्वेश्चन मार्क डाल देते हैं कि हम इसका ये कन्फर्म नहीं है, कहीं पे कुछ और भी आ सकता है। अलॉन्ग विद मार्लो ग्रीनी फॉर्म्ड वन ऑफ दैट बैंड ऑफ यंग मैन फॉर लाइवलीहुड बाय लिटरेरी वर्क। जैसे एक फादर का सबसे बड़ा जो चाइल्ड होता है एन एक्टर एज वेल एज एन राइटर ऑफ प्लेस, इसने एक्टिंग में भी डिग्री तो ली हुई थी लेकिन ये प्लेस का राइटर भी था। ही रोट सम हाफ डोजन प्लेस। अगर क्रिस्टोफर मार्लो ना होता यूनिवर्सिटी विट्स में, तो ये क्रिस्टोफर यूनिवर्सिटी विट्स का सन टॉप पे होता, क्योंकि इसका वर्क भी मार्लो के जैसा ही है। ही गेव इम्पोर्टेंस टू ब्यूटी। हिज अर्लीस्ट वर्क इज द अरेंजमेंट ऑफ पैरिस, डेविड एंड बैथसेबा कंटेन्स द ब्लैंक वर्ड्स। इसने भी ब्लैंक वर्ड्स में काम किया, इसके दो फेमस वर्क है जिनके नेम लिखे गए हमने, और इसके बाद जो लव स्टोरी बिटवीन टू मैन विद वन मैन, ये दो लोगों को एक ही लड़की
इसकी जो प्लेस है, ये वाले फायर वगैरह, फायर और लैंड ऑफ फियर से ये बिल्कुल खुश्क नहीं है, बल्कि इसमें थोड़ा सा कॉमिक जो था ना रिलीफ वो भी रखा हुआ है साथ में, जैसे मिक्सिंग होता है कि ट्रेजेडी और थोड़ी सी कॉमेडी का मिक्सअप होता है, उसी तरह से इसने ये प्लेस लिखी है। थॉमस लार्ज वो है कि इनके बारे में थॉमस लार्ज, और हमारे पास लास्ट में कौन सा, थॉमस नैश, इन दोनों के बारे में हमारे पास ज़्यादा डिटेल्स नहीं है, लेकिन जो है हम वो शेयर करेंगे क्योंकि इनका करेक्टर जो था यूनिवर्सिटी विट्स में बहुत ज़्यादा माइनर था, तो इनके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। थॉमस लॉज 1558-1625 में इसकी रहता है। थॉमस लॉज वर्क टू राइट पम्फलेट्स, इसने पम्फलेट्स में ज़्यादा काम किया था, जैसे किसी प्रमोशन करने के लिए पम्फलेट्स बनवाते हैं। फर्स्टली इस वर्क इज एनोनिमस, इसने अपना वर्क किया लेकिन अपने नेम के साथ पब्लिश नहीं करवाया। फर्स्टली हर किसी को अपने खदशात होते हैं कैसा करना चाहिए ऐसा नहीं, उसी चीज़ में सोचते सोचते इसका टाइम निकल गया बेचारे का। टू फेमस वर्क्स आर गिवन एज बिलो, जो कि इसके नेम से हमें मिलते हैं वो हैं द वर्ल्ड्स मैडनेस, पब्लिश्ड इन 1596 में हुआ था, और विट्स माइजरी, इसके दो वर्क्स हैं सिर्फ। थॉमस नैश आ जाता है 1589 में, और इसकी डेथ होती है 1601 में। इस फेमस वर्क इज गिवन एज बिलो द अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर, लास्ट विल एंड टेस्टिमेट। ये थे हमारे पास यूनिवर्सिटी विट्स के राइटर्स, जिनके बारे में हमने वर्क, इनके स्टाइल और इनका रोल एज ए यूनिवर्सिटी विट्स को डिस्कस किया है। आई होप दैट यू अंडरस्टैंड इट एंड यू लाइक इट।